हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? मैं आपको आज एक बहुत ही खास चीज बताने वाली हूं। कौन दिखाई दे रहा है आपको? आदि मानव, बहुत पुराने जमाने का मनुष्य। आपको पता है लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाना पकाते थे, कैसे अपना जीवन चलाते थे? कुछ अंदाज है आपको? चलिए आपको बताते हैं। उस समय में लोग जंगलों में रहते थे। कहां रहते थे? जंगलों में। आप उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट्स एंड सिंपली फॉरेस्ट्स एंड केव्स की जरूरत नहीं। पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट्स। पहले लोग कहां रहा करते थे? जंगलों में रहा करते थे। वो लोग शिकार किया करते थे। पीपल यूज टू हंट। पहनते क्या थे वो लोग? जानवरों की खाल पहना करते थे। यूज टू वेयर हाइड्स। हाइड्स यानी जानवरों की खाल। खाना कैसे पकाते थे? लकड़ी जला के। पीपल यूज टू कुक ऑन फायरवुड्स। इधर उधर जाते कैसे थे? पैदल, कोई साधन नहीं था चलने का। पीपल यूज टू ट्रैवल ऑन फुट। समय बीता, बहुत ज्यादा ज्यादा काम करते थे वो लोग। उसके बाद वो लोग बने किसान। बहुत काम करते थे, घंटों। पीपल, एक साथ लिखती हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। पीपल यूज टू वर्क वेरी हार्ड। उम्र भी उनकी ज्यादा होती थी। पीपल यूज टू लिव लॉन्ग। अधिकांश लोग किसान बने। पीपल यूज टू बी फार्मर्स। और आपको पता है वो लोग क्या करते थे? पत्थरों से औजार बनाया करते थे। पीपल यूज टू मेक वेपन्स फ्रॉम स्टोन्स। समझ में आया आपको? इस तरह का काम पहले हुआ करता था। ये सारे जो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, ढेर सारे, आप इसमें क्या समानता देख रहे हैं? यूज टू, जितने हैं सब में यूज टू लगा हुआ है। क्या मतलब है इस यूज टू का? यूज टू का मतलब है हैबिट्स इन द पास्ट। कोई आदत जो कि भूतकाल में थी अभी नहीं है।
मेरे साथ एक बार इन सेंटेंसेस को बोलेंगे फिर मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बताती हूँ. पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट्स. लोग जंगलों में रहा करते थे. अब रहते हैं क्या जंगल में? नहीं, पहले अभ्यस्त थे वो, यूज टू लिव इन फॉरेस्ट्स. अब नहीं, अब सब घरों में रहते हैं, शहर में रहते हैं. पीपल यूज टू हंट. लोग शिकार किया करते थे. पीपल यूज टू वेयर हाइड्स. लोग जानवरों की खाल पहना करते थे. पीपल यूज टू कुक ऑन फायरवुड्स. लोग फायरवुड्स लकड़ी से लकड़ी जलाया करते थे खाना पकाने के लिए. पीपल यूज टू ट्रैवल ऑन फुट. एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते थे? पैरों का इस्तेमाल करते थे. उनके पास कोई वाहन नहीं होते थे. पीपल यूज टू वर्क वेरी हार्ड. लोग बहुत मेहनत किया करते थे. पीपल यूज टू लिव लॉन्ग. उनकी उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी. पीपल यूज टू बी फार्मर्स. पीपल यूज टू बी फार्मर्स. लोग क्या होते थे? किसान होते थे. पीपल यूज टू मेक वेपन्स फ्रॉम स्टोन्स. औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे. किससे? पत्थरों के द्वारा. और ये सारी बातें पास्ट में होती थी, ऐसा अब नहीं होता. तो कोई चीज जो भूतकाल में होती थी अब नहीं होती, उसको बताने के लिए हम इस यूज टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया आपको? ये सारी चीजें भूतकाल में होती थी. लोग ऐसा करते थे, अब ऐसा करते हैं क्या? नहीं. आज भी लोग फार्मर्स हैं, लेकिन आज अब लोगों ने दूसरे दूसरे काम भी पकड़े हैं. पहले जो आदि मानव, उसके बाद जब उनमें थोड़ी समझदारी आई तो अधिकांश लोग फार्मर्स ही होते थे, किसान ही होते थे. लेकिन अब तरह तरह के पेशे उन्होंने अपनाए हुए हैं. तो ये चीजें वो हैं जो पहले के लोग करते थे, अब नहीं. यूज टू से आप उन चीजों को बताते हैं जो आप पहले भूतकाल में करते थे, लेकिन आज वो चीजें बदल चुकी हैं, परिवर्तित हो चुकी हैं, आज वैसी नहीं है. आइए इसको एक बार टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूज टू क्या बताता है. इसको समझिए टाइमलाइन पे. समय की रेखा मैंने आपको बताया था. टाइमलाइन याद है आपको? भूल गए? जैसे मान लीजिए ये है समय की रेखा, और इस समय की रेखा में ये स्थान है पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए, और ये स्थान है प्रेजेंट के लिए, यानी अभी, नाउ. जैसे राम यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री. राम वर्क्स इन अ सुपरमार्केट. ठीक है. राम यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री. राम यूज टू वर्क इन अ सुपरमार्केट. राम एक फैक्ट्री में काम किया करता था, पर अब कहां काम करता है? वो सुपरमार्केट में काम करता है. कोई काम आप पहले करते थे पर अब नहीं करते. जैसे I used to play cricket on Sundays. ठीक है. Now, now यानी अभी. अब I play chess. कोई काम पहले हो रहा था, मतलब पास्ट में था, यूज्ड टू, और अब वो चीज छूट चुकी है, अब आप नहीं करते. तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं? यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं.
people used to wash clothes. People used to wash clothes with their hands. हाथ से कपड़े धोया करते थे. Now they use washing machines. पहले लोग हाथों से कपड़े धोया करते थे, अब क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? इसी तरह से पीपल यूज टू गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच मूवीज. पहले कहाँ जाते थे? सिनेमा हॉल्स जाते थे फिल्में देखने के लिए. नाउ दे वॉच मूवीज एट होम. तो जो चीजें पहले भूतकाल में होती थी और अब नहीं होती, चेंज हो चुकी हैं, उनको बताने के लिए, पुरानी चीजों को बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे. देखिए यहां यूज टू है और यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आई यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, नाउ आई प्ले चेस. पीपल यूज टू वॉश क्लोथ्स विद देयर हैंड्स, नाउ दे यूज वॉशिंग मशीन्स. पीपल यूज टू गो टू सिनेमा हॉल्स टू वॉच मूवीज, नाउ दे वॉच मूवीज एट होम. ऐसे वाक्य आप बनाइए. और कौन सा काम आप पहले करते थे अभी नहीं? कोई बच्चा फुटबॉल खेलता रहा होगा, कोई बच्चा गाना सुनता रहा होगा. जैसे राधा यूज्ड टू लर्न म्यूजिक when she was young. जब वो छोटी थी तो वो म्यूजिक सीख रही थी. ठीक है, जब राधा छोटी थी तो वो म्यूजिक सीख रही थी. इसका मतलब अब वो नहीं सीखती. इसी तरह से I used to go for a walk. एवरी मॉर्निंग मैं पहले सुबह वॉकिंग के लिए जाया करती थी. जब मैंने यूज टू बोला, आई यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब मैं पहले रोज पैदल घूमने जाया करती थी, अब मैं नहीं जाती. तो कोई भी ऐसी चीज जो आप पास्ट में करते थे. चिल्ड्रन यूज टू प्ले गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा याद है आप लोगों को या भूल गए? गिल्ली डंडा इन द पास्ट नाउ अब क्या खेलते हैं? नाउ दे प्ले क्रिकेट. क्रिकेट और फुटबॉल पहले गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे आजकल क्या खेलने लग गए हैं? क्रिकेट या फुटबॉल खेलने लग गए हैं. इसी तरह से चिल्ड्रन यूज टू ब्रिंग यूज टू कीप कर देते हैं, रखते थे.
used to keep their books and copies in small boxes. आपको याद है छोटी छोटी पेटियां होती थी. Now they use bags. बच्चे पहले अपनी कॉपी किताबों को किस में रखते थे? छोटी छोटी पेटियों में, बॉक्सेस में रखते थे. और अब वो क्या यूज करते हैं? बैग्स इस्तेमाल करते हैं. अब वो जैसे आप लोग लेके आते हैं उस तरह का बैग बच्चे इस्तेमाल करने लगे. तो ये सारे चेंजेस हुए. जो चीजें पहले किसी दूसरे रूप में थी उनका स्वरूप बदल चुका है. जो चीजें आप पहले इस्तेमाल करते थे, जो पहले खेलते थे, जो पहले करते थे, उसमें जब परिवर्तन आ जाएगा तो पुरानी बातों को कहने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कुछ और बताएंगे आप लोग, चिल्ड्रन और क्या करते थे? चिल्ड्रन यूज टू ब्रिंग टिफिन बॉक्सेस इन द स्कूल. आज बच्चे लाते हैं क्या टिफिन बॉक्सेस? आज तो मध्याह्न भोजन मिलता है, एमडीएम मिलता है ना, तो फिर अब वो चीज नहीं रह गई. चलिए आइए इन सेंटेंसेस को एक बार रीड करेंगे, फिर हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे. राधा यूज्ड टू लर्न म्यूजिक व्हेन शी वाज यंग. आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. मैं पहले पैदल घूमने जाया करती थी. Children used to play gilli danda in the past. Now they play cricket or football. Children used to keep their books and copies in small boxes. Now they use bags. Children used to bring tiffin boxes in the school. लोग बच्चे लोग tiffin boxes लेके आया करते थे. अब मध्याह्न भोजन. समझ में आ गया? तो ये है जो चीजें हम पास्ट में करते थे उनको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब हम लोग देखते हैं लेट्स स्पीक वाला पार्ट. लेट्स स्पीक में आपको करना यह है, मैं आपको कुछ क्लूज दे रही हूं यहां, और उन क्लूज को आपको इन द पास्ट चिल्ड्रन डैश 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 इन द पास्ट चिल्ड्रन, फिर जो क्लूज रहेंगे वो आपको बोलना है, और दूसरा जो बच्चा होगा वो ट्रांसलेशन करेगा उसका. लेकिन पहले हम लेट्स डू इट कर लेते हैं, नहीं तो हमारा लेट्स डू इट छूट जाएगा. लेट्स डू इट पहले कर लें. लेट्स डू इट में हमको क्या करना है? फिलअप्स करना है, फिर हम आएंगे लेट्स स्पीक में. आई एम सॉरी, लेट्स डू इट में ट्रांसलेट इन हिंदी भी है और फिलअप भी करना है, यानी खाली स्थान को भरेंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी होगा. जैसे फर्स्ट, शिरीश ब्लैंक प्लेस लेट टू क्लास. शिरीश ब्लैंक प्लेस लेट टू क्लास कम. ठीक है, तो यहां आपको किस तरह से करना है? शिरीश यूज टू कम लेट टू क्लास. शिरीश देर से स्कूल आया करता था. सेकेंड, लास्ट ईयर वी ब्लैंक प्लेस क्रिकेट एवरी सैटरडे बट नाउ वी हैव क्लासेस ऑन सैटरडेज. यूज टू प्ले. ठीक है, एक इसमें आपको सिर्फ फिलअप ही नहीं करना है बल्कि इसका हिंदी अनुवाद भी आप करेंगे. हम पहले सैटरडेज को क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं? अभी हमारी कक्षाएं होती हैं सैटरडेज को. नेक्स्ट वन, इन द पास्ट इयर्स पीपल ब्लैंक प्लेस टू थिएटर फॉर वॉचिंग मूवीज. नाउ दे व्यू मूवीज एट होम. लास्ट, नेक्स्ट वन, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई नेवर ब्लैंक प्लेस टी और कॉफी. नाउ आई टेक बोथ ड्रिंक. He blank plays music when he was young. Learn. ये आपका let's do it. ठीक है, अब आ जाइए let's speak पे. Let's speak पे बच्चे दो दो एक साथ, दो बच्चे एक साथ अपने पैर में आ जाइए. आपको यहां जो हम clues दे रहे हैं उसको आपको इस तरह से बोलना है, in the past children dash. ठीक, अब आपको बोलना ये है
जो क्लूज हैं आपके सामने, bring tiffin boxes, bring slates, write with pencils, walk to schools, sit on the floor in the classroom. तो एक बच्चा इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलेगा, उसका जो दोस्त है वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, फिर जो बच्चे ने हिंदी में कहा है वो इंग्लिश में एक वाक्य बोलेगा और उसका जो पार्टनर है वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा. ऐसे ही जब तक ये सारे जो यहाँ पे क्लूज दिए हैं ये कंप्लीट ना हो जाए और आपकी कक्षा का हर बच्चा एक वाक्य हिंदी और इंग्लिश में नहीं बोल लेगा, ये क्लास आपकी फिनिश नहीं होगी. तो स्टार्ट करेंगे और जैसा मैंने बताया कि पहला एक बच्चा जो है वो इंग्लिश में बोलेगा, दूसरा उसका हिंदी अनुवाद बताएगा, फिर वो हिंदी में बोलेगा दूसरा बच्चा और इंग्लिश में बोलेगा, और फर्स्ट वाला जो है वो ट्रांसलेशन बताएगा हिंदी में. चलने दीजिए इसको जब तक कि सारे बच्चे ना बोल लें. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.